Twitter DM at WYEG. Stop messing with my one. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी जस्ट फ्रूट्स खाए हैं मैंने और टाइम हो गया है यहाँ पे अभी 2:30 और यहाँ चल रहा है मैच, तो अभी फिलहाल है मैच का मज़ा ले रहे हैं। और अभी इंडिया और बांग्लादेश का मैच है, लेट्स सी कौन जीतेगा। तो अभी बस अभी प्रियंका भी आने वाली है, तो अभी इसको मैं लेने भी जाऊँगा। सो आज का मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया, धूप भी आ रखी है मस्त एकदम। अभी मैच चल रहा है, मैच अभी देखना है कौन जीतेगा। मे बी आज जीतेगी पक्का इंडिया। और ये हमारे यहाँ के देखो ना, अभी सूख गए पूरे के पूरे, देख कि तुलसी मतलब सूखे ना। एलोवेरा का मैंने ये अभी नया मतलब जो गमला लेके आया था, इसको मैंने अच्छे से अभी दोबारा डाल दिया, लेकिन देखो एलोवेरा कितना मस्त हो गया। जो सजाए हैं आप देख सकते हैं। देखो गाइस, ये है नवरात्रि की स्पेशल, मम्मी ने मंदिर पूरा अच्छे से सजा रखा है। तो लग रहा है ना वैष्णो देवी में आ रखे हैं। रात को हमेशा आती हैं देखने के लिए कि यार कि दिया जलाने जा। हमारे अम्मा अबू नमस्ते, पहला ब्लॉग देख रही है। तो अभी आज मैच चल रहा है, एफसी ये प्रियंका भी आएगी, इसको लेने जाएंगे अभी हम। सो उसके मैसेज आएगा तब तक हम देखते हैं अपना मैच। अभी हम निकल चुके हैं प्रियंका को लेने के लिए, यहाँ से दिखा रहा है अभी 10 किलोमीटर, बट लगता नहीं पहुँच पाऊँगा मैं। बताओ गाइस कैसे हो आप सब लोग। और फाइनली मैंने अभी अपना एक सेटअप लिया है गाड़ी में, ताकि मैं अच्छे से ब्लॉगिंग कर सकूं, ताकि आप लोगों को बार बार कैमरा ना पकड़ना पड़े। इससे क्या होता है कि पुलिस वाले ही पकड़ लेते हैं, तो इस चक्कर में मैंने गाड़ी में लगा दिया है ताकि आप होल्डर के लिए, ताकि आप लोग देख सको अच्छे से। आज फाइनली मैच भी है और मैं भी मैच भी देख रहा हूँ, बट सही खेल रही है दोनों टीमें मस्त एकदम। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। और मैंने अभी अपनी गोवा की वीडियोस डाल रखी हैं, आप मेरी गोवा की वीडियोस जाके देख सकते हो, जो मेरी गोवा की वीडियोस बनाई हुई हैं। तो गाइस मुझे वो बता दो कौन सा माइक सबसे अच्छा रहता है, कि जहाँ तक मेरी ये है कि नज़र में कि बोया का माइक सही रहता है, बट थोड़ा सा अगर उससे और अच्छा अगर माइक मिल जाए मुझे तो मेरे को बताओ। तो गाइस ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है, फिलहाल अभी कुछ टाइम से सर्दी भी स्टार्ट हो गई है और सर्दी का मज़ा भी मतलब अलग ही है। तो अब लिटरली बहुत ठंड भी लग रही है रात को, तो मैंने तो अभी फुल स्लीव पहन लिया है। थोड़ी सी सुबह और शाम की टाइम में थोड़ा गर्मी तो है, थोड़ा सा गर्मी है, बट इसके बाद रात को तो मतलब मस्त मौसम हो जाता है। तो फिलहाल अभी मैं पहुँचने वाला हूँ, अभी मेरे को ऑलमोस्ट अभी 10 मिनट और लगेंगे, 10 मिनट तक अभी दोबारा फ़ोन करेंगी। कहाँ रह गया, कब से बोला था मैंने तेरे को, फ़ोन आएगा उसका अभी चक्कर में। लेट तो हो ही गया हूँ, सामान भी मेरा लेट आया था ऑर्डर, इस चक्कर में लेट हो गया मैं। डांटेगी पक्का डांटेगी मुझे, और वाइफ का डांटना तो मतलब बदन की लेवल का होता है, कुछ बोल ही नहीं सकते। गर्लफ्रेंड थी मेरी एक टाइप पे, तो फिर भाई मतलब सुन नहीं आता था छोड़ना। अब वाइफ बन गई है गर्लफ्रेंड के बाद, एक नया रोल आ गया उसकी लाइफ में, तो ऑब्वियसली बात है चेंज तो माइंड हो ही जाता है। और पता है शादी हो गई है चक्कर में आ गया फ़ोन, नाम लिया उसका फ़ोन ही आ गया। सो गाइस सॉरी, एक्चुअली फ़ोन आया था, मैं फ़ोन काटना पड़ा, वो तो पहुंच गई, दोबारा फ़ोन आया, मैंने कहा जी भगवान जी की आदमी चल रही है, बट सॉरी यार पता है ब्लॉग देखिए गुस्सा करेगी। बट लिटरली मतलब अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रि के चक्कर में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन हो ही जाता है यार, ट्रैफिक तो होता ही है। पता गाइस मैंने अपनी गाड़ी उठा भी दी है, और जैसे थार है ना, थार के बराबर मैंने गाड़ी उठा ही दी है, तो मैं उसका अलग से ब्लॉग बनाऊँगा, तो आपको ब्लॉग देखना। मैंने गाड़ी आगे से भी पीछे से उठा दी है, मेरा मन तो और उठाने का मन कर रहा था, बट मैकेनिक कहता भैया जी रहने दो, पानी फेंकता हुआ जा रहा है, पागल देखता सारा, पूरी गाड़ी गंदी कर दी मेरी। छे अभी गाड़ी साफ करी थी मैंने, आगे वाली गाड़ी ने मैंने बाइपर चला दिया अपना, पूरा पानी पीछे फेंक दिया। वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक में तो ऑटो से आ जाऊँगी, बहुत टाइम लग रहा है। तो मैंने कहा नहीं यार हमारा ये अभी की जर्नी है शादी के बाद की, शादी से पहले की भी जर्नी यही थी हमारी, तो मैं ही इसको वेट कराता था, बहुत गलत बात है यार, लड़की को वेट नहीं कराना चाहिए। और मैं जितने भी लोग हैं जिनकी गर्लफ्रेंड है भाई वाइफ हो, वेट मत कराओ यार, वो
बेचारी अभी ऑफिस से आ रही है, मैं तो घर पे आराम से बैठ के काम कर रहा हूँ। तो यार वो मेरी गलती है, मैंने एक टाइम पे मैंने मतलब मुझे भी फील होता है कि मैंने उसको वेट करा गया। दूर से आ रही है, गुड़गांव से आ रही है, गुड़गांव जॉब करते हुए आ रही है, अब उसके लिए बेचारी वो वेट कर रही है। तो उसके लिए इसको सोचा कि मैं चॉकलेट ले रहा हूँ ताकि उसका मन थोड़ा ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगी। आएगी तो आपको मिलाएंगे उसे, और बहुत गुस्सा करने वाली है। अरे तो ऑटो से आ रही, तुझे आने की जरूरत क्या थी, हद होगी यार गाड़ी होके भी तो इतना लेट आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं, तो सुनना भी अच्छा लगता है। मतलब आपको मैंने चीज नोटिस करी है कि शादी के बाद ना सुनना भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। गर्लफ्रेंड हो तो मतलब ये होता है कि चल ठीक है सुन लो, ठीक है आप लेना दो, बट वाइफ को ना यार लोग सोचती है और हमेशा पता है मेरे पाँव भी दबाती है यार, पाँव भी दबाती है मेरे, मस्त एकदम तेल की मालिश करती है अच्छे से मस्त हाथ में। मेरे कुछ टाइम से मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही थी और मैंने उसे परेंगे यार मैं मस्त मालिश कर दे, उसे अच्छे से मालिश करी मेरी, मना नहीं करती है, काम के मामले में मुझसे आगे रहती है। तो यार उसके लिए तो यार पसंदा बनता है ना यार, थप्पड़ भी खाना बनता है कि गलत लेट हो गया। से अभी हम पहुँचने वाले हैं चार मिनट में हम के पास हो गए। जाना फिर हॉर्न का बजा रहा, बजा रही सॉरी देखिए ये हॉर्न लड़की को दे देना, बजाती रहेगी, कोई काम धंधा नहीं है बस पी 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 पी। इंडिकेटर कभी देंगे ही नहीं में, इंडिकेटर उधर का दे रखा जाना उधर को है। अबे लाइसेंस कौन भेजता है लोगों को जिनको रोड का पता ही नहीं है, बस लाइसेंस बना लेंगे 4,000 रुपये देंगे, लाइसेंस बना दो भैया मेरे, भैया 500 रुपये और ले रहे ना, ये नहीं सीख रहे भाई, जान दाव पे लगा रहे हो तुम 4,000 रुपये में, भाई सीख लो ड्राइविंग को, इंडिकेटर दे रहे का उधर को जाओ उधर रही है। तो गाइस ये आ चुकी है, कह रही है कि गुस्सा हुई खड़ी है पूरी गुस्सा। यही मिलेगी ना, बस यही मिलेगी, जाऊंगी मैं, चल ठीक है आ जाओ, हमेशा यही याद रखियो ठीक है, इतनी देर वेट कर रहा है तो तुम देर हो गई, देखो देर नहीं लगी अभी, मैं वहां पर खड़ा था याद है ना, मैं उसी पीछे मोड़ पे यहां खड़ा था। बताओ पिज्जा खाना है, फाइनली प्रियंका आ चुकी है ऑफिस से, गुड़गांव से वो भी आ रही है, इतने घंटा वेट किया है हमें, तो मेरे को अच्छा ही लगा इसको वेट करा, बट मैंने अरे वहाँ पूजा वूजा हो रही थी ना चक्कर, अरे नवरात्र चल रहा है तो लोग पता नहीं झंडा वंडा लेके पता नहीं क्या कर रहे हैं, वहाँ फंस गया मैं घर के बाहर ही, उधर जा रहे थे चक्कर में, गाड़ी है वो तेरी कॉल से परेशान हो गया हूँ मैं, इसकी कॉलें आती रहती हैं, कॉलें आती रहती हैं, रात के 10, 8, 9 बज जाते हैं, मैं कहा चल अब कॉल चल रही है, मीटिंग है, कॉल है, मीटिंग है, कैसा हो गया सर, गाड़ी देख कैसे कैसे मारा है, लंबा से करके मारा है, दिखा दे रहा है, ये देख, अबे रुक जा मम्मा रुक जा, तुम खेलो चल।
ये वो देख, इतनी सारी ये प्रियंका के दोस्त सारे। अच्छा डोमिनोज देख लेते, पिज्जा हट बेकार है, डोमिनोज बेटर है। केएफसी पूरा खाली पड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे कोविड ही, तो कोविड में खाली पड़े रहते थे। अरे भाई, अरे लोग ऑफिस गए हैं सारे, तेरे से यहाँ पे कोई ना है, अभी शाम को जाएगी भीड़। गाड़ी बुरा लग रहा है यार, गाड़ी मार दी। ऊपर गए थे हम, वैसे ही करो पानी से चलता रहा, वैसे ही है, हम तो ऊपर गए थे ना। तो गाइस हम आ चुके हैं, मेरी गाड़ी मार दी यार, बुरा लग रहा है इस बात का। तो ये प्रियंका ले रही है ऑर्डर, कोई दिक्कत ना हो तो ये हमारे, मैं तो उसने खाऊंगा, ये भी कोल्ड ड्रिंक पी लूँगा। ना ना ना, भूख तो नहीं है वैसे, वाली गंदी वाली भूख ना है मेरे को। चल ये ट्राई कर लेंगे हल्के फुल्के। हाँ हाँ ये बेटर है, इधर रहते देखो गाइस क्या मस्त लग रहा। रीजन टू लव पिज्ज़ा बना रखा यार, लग नहीं रहा पिज्जा पिज्जा का, बर्थडे बना रखा, बर्थडे पे निकाल रहे हैं। सेक्सी एकदम ऐसी फील आ रही है जैसे दुबई में पहले हमने खाया था, हम ऊपर गए थे तो हमने खाया था वहाँ पिज्ज़ा, तो वहाँ का भी एकदम सेम ऐसी ऐसी एम्बियंस था, पर लोग हैं नहीं यहाँ पे, वहाँ भी लोग नहीं थे। सही है, सही तो बना रखा है, बढ़िया एकदम। हम खा रहे हैं गार्लिक ब्रेड, पिज्ज़ा खाने का मन तो कर नहीं रहा बिल्कुल भी, तो हम गार्लिक ब्रेड खाएंगे अपना। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा यार, मैं सब कुछ नहीं खाया मैंने, सिंपल मैंने खाया फ्रूट बस मम्मी के साथ बैठ के, और वही खाया। तो अभी हम सीधा निकलेंगे अपने घर की तरफ खा के। प्रियंका तो अभी ऑफिस की मीटिंग चल रही है अभी, इसके बाद यहाँ से निकलेंगे सीधा बाहर, और यहाँ से अपना घर है साइड में। ये आ गया है घास फूस, और ये घास फूस मैं खाता नहीं, और अपने को भूख भी ना आए। फिलहाल मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँगा, और ये अपना खा लेगी, इसको ऑफिस के बाद से आके भूख लग जाती है हमें शाम को, और ये सब मैं तो खाया भी नहीं जाता, तो मैंने कहा थोड़ा टेस्ट कर लूँगा बस। हम तो चाहिए दाल चावल रोटी सब्जी, ये सब नहीं खाया जाता हमसे। कोल्ड ड्रिंक का पैकेज ही लग रहा ब्लैक, इन्होंने चेंज तो किया डिज़ाइन में, खाते एकदम चुप्पा टाइप, अरे डालती है दबा दबा के। ये लो भाई, और जैसे ये खा रही है ना भाई, ऐसे खा के ट्राई करना एक बार। ये लो भाई कैसा है टेस्ट, हल्का लग रहा होगा इसको खाती, मैं इसको देखती ना मेरा मन भर गया। सही है, क्यों अच्छा ना है भाई, तो कह रही अच्छा नहीं है इसलिए मैं नहीं खा रहा, फिर यही खाएगी। तो यही खा ले ना, ना ना तू खा।